ये है पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। क्या आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगा रही, इसके पीछे का कारण क्या है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर क्यों लगाती है। सबसे पहले हम सोलर सिस्टम के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स के ऊपर नज़र डालते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सोलर सिस्टम है क्या। सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल सूर्य की ग्रेविटेशन की एक प्रणाली है, और इस बाउंडेड रीजन में ऑब्जेक्ट्स प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से सन को ऑर्बिट करते रहती है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स कहने का मतलब मुख्य रूप से प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं। और इस सोलर सिस्टम का निर्माण तकरीबन 4.6 बिलियन साल पहले हुआ था। सोलर सिस्टम का जो ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि मुख्य रूप से प्लैनेट्स, ये दो भागों में बांटे गए हैं। एक होता है इनर ऑर्बिट प्लैनेट्स, एक होता है आउटर ऑर्बिट प्लैनेट्स। इनर ऑर्बिट प्लैनेट्स के अंदर में आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और आउटर ऑर्बिट प्लैनेट्स के अंदर में आता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट्स होता है बृहस्पति। इनर ऑर्बिट प्लैनेट्स जो होते हैं वो मुख्य रूप से पत्थर और धातु के बने होते हैं, और आउटर ऑर्बिट प्लैनेट्स जो होते हैं वो मुख्य रूप से गैस गैंड के बने होते हैं। गैंड का मतलब होता है दानव। और आउटर ऑर्बिट प्लैनेट्स जो होते हैं वो कम कठोर होते हैं इनर ऑर्बिट के अपेक्षा। अब जो चार आउटर ऑर्बिट प्लैनेट्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े और विशाल होते हैं इनर ऑर्बिट प्लैनेट्स के अपेक्षा, और यहाँ पर जो इनर ऑर्बिट प्लैनेट्स है उसका सरफेस कठोर होता है क्योंकि ये धातु के बने होते हैं, और आउटर ऑर्बिट प्लैनेट्स का जो सरफेस है वो ज़्यादा कठोर नहीं होता क्योंकि वो गैस गैंड के बने होते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के दो बड़े प्लैनेट्स यानी कि बृहस्पति और शनि मुख्य रूप से हीलियम और हाइड्रोजन के बने होते हैं, और अरुण एवं वरुण पर बर्फ की मात्रा अधिक है जिसे हाइड्रोजन और हीलियम से अधिक उच्च गलनांक वाले पदार्थ यानी कि अमोनिया और मीथेन से बनाया गया है। अब हम देखते हैं कि हमारा सौर मंडल दिखता कैसा है और यहाँ पर किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स बिखरे होते हैं यानी कि किस तरीके से वो फैले होते हैं इस सौरमंडल में। सबसे पहला होता है सन यानी कि इस पूरे सौरमंडल का मुखिया, उसके बाद फिर होता है बुध, फिर होता है शुक्र, फिर होता है पृथ्वी, फिर होता है मंगल, यानी ये चार है इनर ऑर्बिट प्लैनेट्स। उसके बाद फिर आता है बृहस्पति, फिर होता है शनि, शनि के बाद फिर होता है अरुण, और उसके बाद होता है